हेलो एवरीवन, आज हम आपसे बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और इससे पहले हमारे जो लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें हमने मैट्रिक्स की थ्योरी जान ली थी, इंट्रोडक्शन पार्ट जान लिया था अच्छे से। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में कि जो थ्योरी हमने पढ़ी है उनके क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, और कुछ क्वेश्चंस आज आपको भी मिलने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x5, 3x5 का मैट्रिक्स है। दैट मींस उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 3x15 मैट्रिक्स में एलिमेंट होंगे सर। एंड आर इज द रो मैट्रिक्स ऑफ ए, और आर कोई रो मैट्रिक्स है, किसमें है, ए मैट्रिक्स में है। देन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ए। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ने में बड़ा ही हार्ड लग रहा होगा आपको। सॉल्यूशन देखिए, ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ 3x5, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x5। दैट मीन्स इसमें 3 तो रो होंगी, 5 कॉलम होंगे। क्यों ना हम एक बना लेते हैं कुछ इस टाइप से, A11, A12, A13, A14 एंड A15। समझा आप मेरी बात को? यहां पर आते हैं A21, A22, A23, A24, A25, A33, A34, A35। तो हमने ये बना लिए, 15 एलिमेंट हमने बना लिए। अब R इसके अंदर एक रो मैट्रिक्स है, तो इसमें से कोई सी भी एक रो उठा लो। आपको पता है रो मैट्रिक्स का मतलब होता है एक रो, सिर्फ एक रो। तो उठा लीजिए एक रो कहीं से भी, या तो ये उठा लो या ये उठा लो या ये उठा लो। मैंने बीच वाला उठा लिया, ये तो A है, R उठा लिया बीच में, इज इक्वल टू A21, A22, A23, A24, A25। तो इसका ऑर्डर क्या लिखूंगा मैं, इसका ऑर्डर लिखूंगा 1x5। तो यस, R का ऑर्डर कितना हो जाएगा। देन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ A, सॉरी ऑर्डर ऑफ R हमें पता करना है यहां पे। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ R, तो ऑर्डर ऑफ R कितना हो गया, इज इक्वल टू 1x5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ में आया आपके? नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x3 का जो मैट्रिक्स है, हूज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, हूज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल्स टू 2i+j। ये आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। आपको एक मैट्रिक्स ए फॉर्म करना है जिसका जो एलिमेंट है वो ये है, समझ रहे हैं आप, ये है। तो सॉल्यूशन देखिए, इस तरह की क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर है 2x3, तो क्यों ना उसको बना लेते हैं पहले इस टाइप से कि लेट अ मैट्रिक्स इज, लेट अ मैट्रिक्स इज ए इज इक्वल टू, अब वो जो मैट्रिक्स है वो है 2x3 का, क्या लिख दीजिए 2x3, और उसके एलिमेंट्स आप मान लीजिए 2x3, मतलब 2 तो रो होंगी 3 कॉलम होंगे। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23। समझ में आया आपके? अब हर एक एलिमेंट की मुझे वैल्यू निकालनी है, इसको बनाइए इक्वेशन नंबर 1, और इसके बाद का हम यहां कर रहे हैं। A11 मुझे निकालना है, A11 कहां से निकलेगा, इस शर्त से, ये जो दिया हुआ है ना आपको, ये कंडीशन, बिकॉज ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू 2i+j, ये दिया हुआ है साहब। तो अब मुझे A11 का वैल्यू निकालना है, किसका, A11 का, मतलब कि i की जगह पर 1 रखना है और j की जगह पर भी 1 रखना है। रखिए 2x i+1 इज इक्वल टू 2 × 2 + 1 = 3। वैसे ही मुझे निकालना है A12, ये वाला, मतलब कि i की जगह पर 1 रखना है, j की जगह पर 2 रखना है। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, दैट इज 4। A13, i की जगह पर 1 रखना है, j की जगह पर 3 रखना है। देखिए इस टर्म से कंपेयर करिए इसको, इस टर्म से
आई की जगह वन, जे की जगह थ्री, टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस थ्री दैट इज फाइव। वैसे ही आप ए टू वन का वैल्यू निकालेंगे, ए टू टू का वैल्यू निकालेंगे और ए टू थ्री का वैल्यू निकालेंगे। समझ रहे हैं? टू टू जा फोर प्लस वन, फोर प्लस वन दैट इज फाइव, टू टू जा फोर प्लस टू, फोर प्लस टू सिक्स, टू टू जा फोर प्लस थ्री, फोर प्लस थ्री सेवन। तो हमें सारे के सारे एलिमेंट्स मिल गए, लिख दीजिए इसमें। हेंस द मैट्रिक्स ए इज टू बाय थ्री, जो वैल्यूज हमने निकाली है थ्री फोर फाइव फाइव सिक्स सेवन। तो ये आपका क्या हो गया? रिक्वायर्ड आंसर हो गया। लिख लीजिए इसको। यस तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, सेम बात बोल रहा है, बस यहां पर कंडीशन चेंज हो गई है ये वाली। कंस्ट्रक्ट अ टू बाय थ्री मैट्रिक्स दिस हूज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस, इस कंडीशन के थ्रू उसके एलिमेंट्स हमें बनाने हैं। तो लेट द मैट्रिक्स ए, लेट द मैट्रिक्स ए, बनाइए ए मैट्रिक्स को जो कि टू बाय थ्री का मैट्रिक्स है। ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री। अब हमें इन सब का वैल्यू निकालना है किस कंडीशन के अकॉर्डिंग? बिल्कुल सही बात है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आइए यहां देखिए, वी नो दैट ए आई जे इज इक्वल टू वन बाय टू मोड टू आई माइनस थ्री जे, टू आई माइनस थ्री जे। ए वन वन का वैल्यू निकलेगा, ए वन टू की निकलेगी, ए वन थ्री निकलेगा, ए टू वन निकलेगा, ए टू टू निकलेगा, ए टू थ्री निकलेगा। सबकी हमें वैल्यूज यहां पर फाइंड करनी है और वापस से पुट करना है इक्वेशन नंबर वन में। दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। ए वन वन का मतलब है, इससे कंपेयर कीजिए, आई की जगह वन रखना है, जे की जगह वन रखना है। तो रखिए वन बाय टू मोड टू मल्टीप्लाई बाय वन माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन दैट इज इक्वल टू वन बाय टू मोड टू माइनस थ्री। देखिए टू में से थ्री जाएगा तो माइनस वन आएगा, लेकिन माइनस वन मोड में रहते हुए प्लस वन हो जाएगा और प्लस वन मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू दैट इज वन बाय टू हमारा वैल्यू आएगा। समझ रहे हैं बात को? मोड के अंदर वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव आएंगी। वन बाय टू, अब देखिए आई की जगह वन, जे की जगह टू, टू मल्टीप्लाई बाय वन, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू वन बाय टू मोड टू वन जा टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू दैट इज सिक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, बट इन दिस मोड दिस विल बी पॉजिटिव फोर अपॉन टू, दिस इज इक्वल टू टू। यस सिमिलरली आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, टू मल्टीप्लाई बाय वन माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री इज इक्वल टू वन बाय टू, टू माइनस थ्री थ्री जा नाइन दैट इज माइनस सेवन, बट दिस इज विल बी प्लस सेवन, सेवन बाय टू। आगे बात करूंगा, वन बाय टू यहां रखूंगा, इस बार टू मल्टीप्लाई बाय टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू वन बाय टू मोड टू टू जा फोर माइनस थ्री दैट इज वन बाय टू। ओके वन बाय टू एज इट इज, टू मल्टीप्लाई बाय टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू दैट इज वन बाय टू, टू टू जा फोर, थ्री टू जा सिक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाय टू। यहां पर फोर बाय सिक्स जाएगा तो माइनस टू आएगा, बट ये मोड में है इसलिए प्लस टू हो जाएगा, कट गया वन आ गया। वन बाय टू, टू मल्टीप्लाई बाय टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री इज इक्वल टू वन बाय टू, टू टू जा फोर माइनस थ्री थ्री जा नाइन इज इक्वल टू, यहां पर देखिए माइनस का फाइव होगा बट ये प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टू। हमारे पास में सारी वैल्यूज आ चुकी है, पुट इन, इसके बाद देखिए मैं यहां काम कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन वन, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, जो भी वैल्यूज आपके पास में आई है वन बाय टू, टू एंड सेवन बाय टू, वन बाय टू, टू एंड सेवन बाय टू। नेक्स्ट है वन बाय टू, वन एंड फाइव बाय टू, वन बाय टू, वन एंड फाइव बाय टू। तो ये आपका क्या है? ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है।
ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं। अब इसके बाद में आप करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं, बट आप इनको पहले लिख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो आपको करने हैं, आप इनको प्लीज नोट कर लीजिए और उसके बाद में आप इनको सॉल्व कीजिए। 3 क्वेश्चंस ये वाले भी हैं जो आपको नोट करने हैं, कंपैरिजन वाले, इक्वल मैट्रिक्स के क्वेश्चंस हैं ये, आप इनको भी कीजिए। एक आप ये एग्जांपल नंबर 3 भी नोट कर सकते हैं और इसको भी आपको करना है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट थ्योरी के साथ में। नेक्स्ट थ्योरी है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।